कहते हैं कि वो सुखदेव जी जन्म लेते ही एक ऐसे ही उन 15-16 वर्ष तो उन्होंने निकाल दिया, वो सीधा वन की ओर जाते हैं और पुत्र विरह में उनके पिता उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी महिमा बताई गई है कि जब पुत्र विरह में वो पीछे पीछे गए तो उस वन में जितने भी पेड़ हैं, जितनी शाखाएं हैं, जितनी पत्तियां हैं, उन सब में वेदव्यास जी ने सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन किए। वो ऐसे वैरागी हो गए हैं। उनके वैराग्य की कथा आती है कि वो वन के रास्ते से जा रहे हैं तो सामने एक तालाब था, उसमें कुछ स्त्रियां स्नान कर रही है। तो जब वो सामने से गए, स्त्रियों ने ध्यान भी नहीं दिया, पीछे पीछे जा रहे वेदव्यास जी। तो वेदव्यास जी को देखते ही वो अपने कपड़े ठीक करने लगे। तो उनको अटपटा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं पिता छोड़ो शायद तुम्हारी दादा की उम्र का हूं, और वो जो सामने गया वो बेटा मेरा अभी अभी उसने जवानी में कदम रखा है, उसको देखकर तुमको चिंता महसूस नहीं हुई, मुझे देखकर चिंता महसूस हुई। तो स्त्रियों ने बहुत सुंदर तरीके से उनके वैरागी होने का वर्णन किया। वो कहे कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, ये आपकी मेरी दृष्टि में है। उनकी दृष्टि में तो सब एक ही है, भगवान के बनाए हुए जीव, वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। हम कहते ना कि एक भाव होना चाहिए, एक दृष्टि, क्या है, सबको आप एक दृष्टि से देखो, यही है। उनकी दृष्टि में कोई बूढ़ा, जवान, बच्चा, बड़ा, अच्छा, बुरा, स्त्री, पुरुष, ये सब नहीं है, वो एक ही दृष्टि से सबको देख रहे हैं। तो उस स्त्रियों को उनको देखकर इतना फर्क कि उनको पता है कि उन्होंने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन हमारी आपकी दृष्टि में इतनी बातें हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, उसने जवानी में कदम रखा है। तो ऐसे वैरागी हुए और वो ऐसे गुरु हुए। कहते हैं कि सुखदेव जी जैसे गुरु मिल जाए तो व्यक्ति धन्य हो जाए। 7 दिनों में राजा परीक्षित को भगवान से मिला दिया था, सिर्फ 7 दिन। मैं हमेशा कहती हूं, कई बार लोग पूछते हैं, क्योंकि देखिए समय समय की बात है, पहले गुरुओं को परखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज कई बार कुछ घटनाओं के बाद हमको लगने लगता है कि हम किस पर भरोसा करें, नहीं करें। तो मैं हमेशा कहती हूं कि अगर साधारण तरीके से बताया जाए तो अच्छा गुरु कौन है, अच्छा गुरु वही है जो आपको भगवान से जोड़े, ना कि खुद से। अगर किसी के सानिध्य में रहने से आपका भगवान के प्रति इच्छा आपकी और बढ़ गई है, भक्ति और बढ़ गई है, तो वो अच्छे गुरु हैं। पर आजकल क्या होता है कि कई बार उन पर भरोसा इतना हो जाता है कि घर में भगवान की फोटो तो छोटी, गुरु की फोटो बड़ी होने लगती है। भगवान का नाम जब कम, गुरु का नाम जब ज्यादा होने लगता है, तो ये गलत जा रहे हो। क्योंकि याद रखना, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब हमने इंसानों को भगवान बनाया है तब तब गलत हुआ है। क्योंकि साधारण तौर से आप समझदारी से समझिए, इंसान तो इंसान है, एक सीमित बुद्धि है उसकी, भगवान जैसी बुद्धि तो हो नहीं सकती ना, होती तो वो भगवान होता, इंसान नहीं होता। अब आप उस इंसान को भगवान की पदवी दे रहे हैं, किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी भाई। साधारण सी बात है कि आप एक इंसान को भगवान बना रहे हैं, उसको भी लगेगा ना कि बस हम ही है अब सब कुछ, कैसे बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, गलती हमारी आपकी है। इंसान को इंसान रहने दीजिए, भगवान को भगवान रहने दीजिए, इंसानों को भगवान मत बनाइए। सम्मान करना, श्रद्धा रखना अलग बात होती है, भगवान बना देना ये फिर आप गलत करते हो। फिर वो इंसान ऐसी वैसी हरकतें करेगा और फिर करने में उसको दोष मत देना, खुद को दोष देना। तो इसीलिए अच्छा गुरु कौन, जो आपको भगवान से जोड़े, आप और भगवान के करीब चले जाए, वो अच्छे गुरु होते हैं।